घर का खाना नहीं राज में आप सबका वेलकम है। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पुलाव, जिसमें हमें एक कप मटर चाहिए, एक मीडियम ऑनियन चाहिए, एक टमाटर चाहिए, ये छोटा सा अदरक का पीस था जो मैंने इस तरह से काट लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें चाहिए, और ये ज़ीरा है, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और ये सिनेमन स्टिक थोड़ी सी, ये गरम मसाला है और ये बड़ी इलायची हैं 2, और इसके साथ मैंने 2 कप जो है चावल लिए हैं जिनको ऑलरेडी 2 घंटे से मैंने सोक करके रखा हुआ है। तो चले हम प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून सॉल्ट है जो मैं इसमें डालूंगी। ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ये स्पाइसेस डाल दूंगी, और इसमें अब ये मैं जो है प्याज वो डाल दूंगी, इसको हम ब्राउन करेंगे। ये देखिए, ये मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ पुलाव आज, और अगर आप नॉर्मल चूल्हे पे बनाएंगे तो भी यही प्रोसीजर है। इसमें बस ये होगा कि मैं पानी डाल के इसको रख दूंगी और ये खुद ही पक जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप नॉर्मल उस पर बना रहे हैं पैन में तो आप किस तरह से बनाएंगे। अभी तक का प्रोसीजर आप यही फॉलो करेंगे जिस तरह से मैं बता रही हूँ। ये देखिए, ये प्याज सारे ब्राउन हो गए हैं। अब इस स्टेज में ये जो अदरक और हरी मिर्चें थी, इनमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, वो मैं इसमें डालूंगी। ये डाल दिया, अब मैं ये गरम मसाला ये डालूंगी इसमें, ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और साथ ही मैं ये पीस डाल दूंगी, और इनको अब मैं भूनूंगी जब तक टमाटर गलते हैं और ये पीस जो हैं ये भी थोड़े से गल जाएं, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं इसका शुरू। इस स्टेज पर मैं इसमें ये सॉल्ट डाल दूंगी और इसको भूनेंगे। ये देखिए, इस स्टेज पर ये ऐसे हो गए। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। हाँ जी, ये रेसिपी एक्चुअली सानिया है, फॉलोअर भी हैं और फ्रेंड की बेटी भी हैं, उन्होंने मुझे पूछा था कि आप खाली प्याज़ों वाला पुलाव बनाना वो सिखाएं, तो मैंने इसमें पीस ऐड किए हैं। आप इसमें पीस ऐड नहीं करेंगी, आप इसको वैसे ही बनाएंगी। जिस स्टेज पे प्याज ब्राउन हुए हैं, आपने मसाले डाले हैं थोड़ा सा भून के, आप उसमें पानी ऐड कर देंगी। जैसे मेरे पास ये 2 कप चावल थे और मैंने इसमें 2 कप ही इसमें जो है वो मैंने वाटर डाला है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है ढक्कन को, और इसकी अब मैं 12 मिनट की मैंने सेटिंग की है, तो उसके बाद ये खुद ही पक जाएगा। इसमें जब पकेगा तो इसकी बीप खुद ही जो है वो ऑन हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल आपने पकाना हो तो आप इसको ऐसे ही बनाएं, जितना मैंने पानी बताया है, मिडिल में जाके जब वो पानी थोड़ा सा भाई उसमें से ड्राई हो, हीट को लो कर दें, तो वो बहुत अच्छे बनेंगे चावल पे। चलिए अब इसको खोलते हैं, इसके टाइमर पूरा हो गया। ये देखिए चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं, मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ। ये देखिए, ये देखिए, अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक एक दाना अलहदा बना। ये देखिए कितने ज़बरदस्त आलू गोश्त बना है और कितने ज़बरदस्त ये चावल बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल भी एक एक दाना अलहदा है, ये देखिए, और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप भी ट्राई कीजिए और दुआओं में याद रखिए। स्टे सेफ, और इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा मिलूंगी आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।